मामा तुसी नहीं चाहते हो कि शान दी अखियां दा चाणा वापस आ जावे? मैं ये जरूर चाहनी हाँ, मगर तू क्या चाहनी है इसका मैनू नहीं पता। मामा तुहानू पता होना चाहिए ना। मैं मैनू पता होवे भी तां भी मैं क्या कर सकनी हाँ। मामा वो कुछ हो सी जो तुसी चाहो। मलक नीलामी सौड़ी बोली सी हमेशा वध के बोली दिला रहा है ते इस दफा सी एक कम उसे नाल कर सी। इसे क्या मतलब हुआ है? मतलब है विशा जी के मैंने फॉरेस्ट अफसर ना प्लान कर छोड़ा। इस दफा नीलामी तुसी नहीं बल्कि मैं ते मेरे आदमी जैसी। मेरा ख्याल है कि तनु इस गलते अच्छी तरह सोचना चाहिए। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि तीन दिन दफा। मेरा ख्याल है कि तनु इस गलते अच्छी तरह सोचना चाहिए। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि तीन दिन दफा। अगर बोली दी नाकामी दे उसे मलक ने सर किया भी हो है तो वध भी तुसी इस गल नु दबा के रखो। मनु मिलने वाले ताने दी भी तनु कोई परवाह नहीं गी। नहीं सॉरी मामा, कोई परवाह नहीं गी। मामा इस ना के संभल, इस ना के शांत तू इस वास्ते कि मनु इना ताने दी परवाह है वे। शान तनु होया के वे? मेरे कार दा नंबर मिला संभल। पर क्यों? इस वास्ते कि मैं ग्रां जाना चाहना उन्हीं ते इसी वक्त। इस तरह शहर छोड़ के वापस नहीं आना चाहिए शान। मैंने क्या ना बाबा, मैं आप ही उठे और नहीं ठहरना चाहना है। इसी गल का तो मैं तेरे को जवाब चाहना वा ना ते तन्ने ड्राइवर नो शान दे पीछे शहर पे के क्यों से वापस बुलवा लेता है? किस तरह ना बुलांदी, शान ने मनु टेलीफोन ते मजबूर किया आया। शान कौन है तेनु मजबूर करने वाला? बस बाबा और छोड़ भी दियो इस गल नु। मैं इस गल नु इतनी आसानी ना छोड़ना नहीं चाहना वा शान। किधर जाना पे? हाँ जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई। देखते रहना बेगम, वों बरखुरदार साड़ी गल सुनने तभी रवादार नींगा। शाजी, शान दे दिल में केड़ी गाले इन्हीं से आपे पूछ ले सा। लेकिन तुसी ये दसो के सानू की करना चाहिए? तुम सुम्बो नो टेलीफोन करके उसको रे पूछ के वो शान दे इस तरह गिरा आने दे बारिश के कह दिए। मैं
अच्छी टेलीफोन करके पूछ लेसन ये जड़ा भी जवाब देवी ना ते मुन वदा छोड़ी आला शहर वापस आ गया वे? हाँ चमेली, मैं ओनी गिरा पहुंचा हूं। मैंने पूरा यकीन आया तू जरूर आसी। तू ठीक तो है ना चमेली? मैं तो ठीक है शान, मगर ये सारे दिन मैंने तेरे बगैर किस तरह गुजारे दस नहीं सकनी। सारा दिन अकली मकली जंगल च पागलां हार फिरदी रहनी आई हूं। क्यों, तेरा बाबा नहीं है कि? बाबा तो आया, तू कि नहीं आया शान। अच्छा ये दस, तू शहर च मेरे बगैर खुश रहा वे? बाबा शान, बाबा ने मैनू पानी भरने वास्ते भेजाया, मैं जानी है शान। अच्छा जा तू कार, पानी ले जा। कमाल, डॉक्टर शहजाद हूं तो नहीं आए? मैंने तो हमें नवे मरीजों की हिस्ट्री कंप्लीट की थी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं नहीं, मैं शहजाद के आने तक कितने। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सॉरी मैं ज़रा लेट हो गया, दरअसल पापा नाल कुछ डिस्कस पे करना है। शहजाद, तू शान का मुआयना अपने पापा से कदों करा से? सुमल, मैं तो कहना वहाँ कि हूँ ही बुला लेस, मौका बहुत अच्छा है। मैं तो तुझे जाके पापा से चेकअप करा ले सी, के ख्याल है? लेकिन शान नु लैणे मैनू आप जाना पैसी। ते इस मुश्किल के वे बाबा, गड्डी जाते लैस। लेकिन ड्यूटी मैं है ना तुझे। थैंक यू, पहले मैं उन्हें फोन दे कर लवा ताकि वो तैयार हो जाए। हेलो मम्मा, शान नु फोन दियो जी। एक अदो मम्मा, तो भी नहीं रोका। ओके ठीक ठीक है मम्मा, ठीक है। क्यों सुन, क्या हो जाए? शान गिरान वापस चला गया है, तेनू दसी बगैर? उसका इरादा तो आया पर मैंने उसे रोका आया। तेरे बावजूद और तेरी गल न मन के ते वापस चला गया। एवे तो समझ नहीं आती। ਸਵਾਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦੂਕ ਸਫਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਦਾਰ ਸੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੁਕਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਛੋੜ ਉਸਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੁਕਮਦਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਬੇਗਮ। ਤੇ ਵੱਧ ਬੰਦੂਕ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਈ,
ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸੱਚੋ ਸੁਮੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਰਕਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਖਫਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਤਾ ਯਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜਲਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਉਸੇ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਰਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਵਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੰਬਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਹਾਂ ਹੋਏ ਉਸੇ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਂਦਾ ਮਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਸੁੰਬਲ ਤਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਂ ਗਿਰਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਰਾਂ ਜਾਣੇ ਸੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸ਼ਾਨ ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਨ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਐਵੇਂ ਸੁੰਬਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਖਫਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਅਮੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਤਨੇ ਕਮੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਮਰ ਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੰਬਲੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਸੰਬਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਨੂੰ السلام علیکم ماما ماما آج سر نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ماما منو ساری چپ کی وجہ معلوم ہے ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂਗੀ ਨਾ ਮਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਨਾ ਮਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਮਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾੜਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵਾੜਾ ਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
साड़ी संबल ने भी आज सवेरे से कुछ नहीं खाया। तो मम्मा, मनु भूख लगी है। मने साफ करके चालू कर दी थी। इजाजत हो बंदूक थी ट्राई लावा शाजी। हाँ ले पता था लगे के बंदूक है के मंजी दा पावा। बिल्कुल सेट है शाह जी। जिंदाबाद भाई। अरे साफ किसने की थी? सोने शाह जी सोने। बात न कमी दुरानी। फर्श वाले कितने शाह जी? तू तो घबरा गया कुमदार। जिंदाबाद भाई। मैं घबराया नहीं हूँ शाह जी। मैंने समझा कि किसी ने साढ़े डेरे से फायरिंग कर दी। वह किसी की जरूरत हो सकती है कि साढ़े डेरे से फायर करे? बिल्कुल ठीक कहते हो शाह जी। साढ़े तो मेरे होने कोई अहमत कर सकता है। ये तो दस कि हुकुमदार तू गया किधर है? गोदाम लकड़ी की गिनती पे करना आया। एक ट्रक का माल पूरा हो तो फिर गल करा। व्यापारी नाल व्यापारी नाल तुसी गल जरूर करो शाह जी। लेकिन इस दफा माल सड़क के जरिए नहीं पानी च पेश सी। ठहर फिर मैं पहले व्यापारी नाल गल कर लवा। था शाह जी जल्दी गल करो ना। सोखड़ा होने वाला है। इन होवे के दरिया सोख जाओ तो साड़ी लकड़ी बाहर ही पई रहे। जिंदाबाद भाई। ठीक है मैं गल कर रहा हूं। लगता बाबे उन्हें खफा हो के गले बादशाह हो। गुलाब चाचा। गुलाब चाचा। ओ गुलाब चाचा। ओ वो आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम गुलाब चाचा। वालेकुम सलाम। तुसी किथे हो? असी सानू पे लबने। आज तक गुलाम जान नु भी नाल लेके आ गए हो। खैर तो आए ना। आज सानू भी तेरी जरूरत पे गई है गुलाब खान। ओ गुलाब खान तो सारे ग्रां दी जरूरतां पूरियां करदा वे। गुलाम जान बस तुसी हुक्म करो। तू सरकारी बंदा है यार। ते असी सरकारी बंदियां नु हुक्म नहीं दरखास्त करने होने आ। बैठ के आराम नाल गल कर लेंगे। नहीं नहीं गुलाब चाचा गल खलोते खलोते ही हो जावे तो अच्छा हो सी। मलक कुछ ज्यादा ही तेज है। गल साड़ी भी ज्यादा लम्बी नहीं गी। मलक तू आपे ही कह दे गुलाब खान नू जरा जल्दी दे नाल। गुलाब चाचा तू पुराना बंदा वे ते इस गिरां दे सारे जंगलां जायदादां ते जमीनां दा तेनू अच्छी तरह पता वे। तू कहना के चाहना वे मलक? असी थोड़ी मालूमात चाहने हैं वो भी गुलाम जान वासे। शाहजमान ते उस दे बाकी दोवां भरावां दी जेरे काश जमीन कितनी है? ठीक है कि मैं जानना के इन्हां गिरावां दी केड़ी केड़ी जमीन दा असल मालक कौन कौन है। लेकिन मैं सानू क्यों दसां? दरअसल मैं इन्हां सारियां 8-10 गिरावां दीआं जमीनां दा एक सर्वे करना चाहना वा। इस वास्ते अगर तू शाहजमान तो उसके भरावान की जमीन का सर्वे क्यों करना चाहना है? सारिया जमीन का क्यों नहीं करना? सर्वे तो सारिया जमीन का हो सी गुलाब खान। देख गुलाम जान तू आप एक जंगल का मालिक है। जमीन ते जायदाद वाला है। मैं तेरी बड़ी इज्जत करना वा। मेहरबानी कर ते तू मनु इन्हें कमाश नहीं पा। तू फिक्र ना कर तेरा नाम बिल्कुल ना सी।
नहीं नहीं गुलाम जान, नाले तुसी पटवारी ते गरदावर कोल क्यों नहीं जाते हो? वो तुहानू ठीक ठीक दसदे सो। गुलाम जान सुन, मैंने कहा है ना गुलाब चाचा साढ़े किसी काम का नहीं गा। मैं बड़ा कम का बंदा वा मलुक, लकड़ी की कसम है, पर देखो कम भी तो कम आ रो है ना। लो भाई, लोग सारे जंगल की लकड़ी खा गए, ये हूं तक लकड़ी की कसम भी खाता पिया वे। उसने मैंने किया भी है कि भाई मेरी इस छोटी डायरी नू एहतियात नाल ब्रीफकेस में रख लेंगे, लेकिन ओहो पापा उन्होंने याद ना रही उसी ना। उसने एक गल डेली याद रहती है जड़ी हर वक्त मेरे कने च पांदी रहती है। आप वैसे पापा वो केड़ी गल है? मोहतरमा नू तेरी शादी का गम खांदा जा रही है। हालांकि मैंने मम्मी नू किया कि अजला नहीं, लेकिन मम्मी देख वर और अपनी ममन दी गलें चाचा ना में जो तुकुल के तू स्पेशलाइजेशन ना कर लवे। हां वैसे पापा मैं भी विचानो। शाबाश, वेरी गुड। ओके मैं आण जाना। हां ठीक है। हां ओ याद आया, सुमल भी आई तेरे आने से पहले। हां पापा, ओ उसके कजन दा के बना पापा? ओ भी ये वही पाई कहंदी आई, लेकिन देखो उसका कजन थे आवे प्रॉपर उसका चेकअप हो जावे प्लीज, इसका कुछ तू बंदोबस्त करो। हां एक गल ठीक है, ठीक है मैं गल करना उसने। ठीक ओके ओके। इसका मतलब है कि मलक तो दिन थोड़े रह गए, कि कहते हैं कि जिस कीड़े दे पर निकल आ ज्यादा देर जीना नहीं रह सकता। ना तो गुलाम जान उस सड़ी जमीन के कागजात फरोलने की क्या जरूरत पै गई है? जवाब गुलाम जान से लवां या मलक शरफजल से? तेनू दोनों गल करने जरूरत नहीं हुकुमदार, मनु ये गुलाम खान से पूछ लेने दे कि साड़ी जायदाद के बारे च गुलाम जान दा मालूमात हासिल करने का मतलब की है वे? गुलाब खान सानू कुछ ना दस सी, ये तो अच्छा है कि साढ़े बंदे मौके पर पहुंच गए थे, उन्होंने गल सुन के साढ़े तक पहुंचा दी। लेकिन बात भी तो उस गल की तय तक पहुंचना जरूरी है ना, कि साढ़े खिलाफ इस साजिश का मकसद क्या है? कड़ी सोचिश पे आ गई है। इफ्फत नाल अदालती केस की क्या पोजीशन है? अदालत तारीख है जानी लगी। कितने जमीन के सारे खाते उस केस की वजह तो नहीं पुरोले पे? एक गल भी है तो फिर भी गुलाम जान दे इस केस ना के तालुके। तुसी पहले गुलाब खान नाल गल ते कर लो ना शाह जी, वह देखा जा सी। हाँ उस तो हूँ जल्दी मिलना चाहिए। जी जी हाँ नहीं ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज़। मेरा ख्याल है पहले खाना खा ले बाद ही चेंज कर लेंगे। हां ए ठीक है। चला आंटी, आंटी सुंदर कार है? मैं होनी आई है जनाब। कमाल, ते मैं तन्नू हॉस्पिटल दे काउंटर ते पे ढूंढना है। मैं कोई गुमी हुई शे आई हां,
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੋਤਰਮਾ ਗਾਇਬ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰੀਲੀ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ। ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਉਸੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਜੀ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਜੀ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਏ ਪਿਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਵਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰਾਂਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਲੁਕ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਾਜੀ, ਮਲੁਕ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਨੋ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਅਤੇ ਤੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ, ਤੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ? ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਦ ਮੰਨਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਲੈ 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 ਲੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸੁੰਬਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਫਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਝਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ। ਬਸ ਹੁਕਮਦਾਰ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਝੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ?
मैंने तो शाह जी ने पहले ही कह दिया कि सिर खावे इफत भाभी का जड़ा हिस्सा बन दिया उस वापस कर दो। नहीं नहीं वापस कर दो, इस तरह साढ़े मुखालफा ने उसने और बच जा सब। फायदा कुछ भी नहीं है सुकमदार, तो तू मेरी मने ना तो इस मामले ज्यादा अगे अगे ना हो। अगे अगे किस तरह ना हो बाजी, नाले तेरा के ख्याल इस मुश्किल वक्त मैं शाह जी ने कला छोड़ देवा वो भी मलक शराब सर सामने। ठीक है बाबा, जो मर्जी हो कर, मैं नहीं मना तेन कर रही, मैं चाहनी हूँ खुदा हाफिज। शान तू बच शहर पे आ जाना है, दो चार दिन दी गले च मिली, मैं जल्दी वापस आ जासा। ते जल्दी वापस ना आयो ता किस तरह ना सा च मिली? तू कसम खा के तू जल्दी वापस आ सी। मनु मेरी बंसरी दी कसम। मेरी कसम क्यों नहीं खा दिया? इस वजह कि तेरा बाबा भी हमेशा लकड़ी दी कसम खांदा है, ते मेरी बांसरी भी लकड़ी दी बनी दी है ना। शान एक गलत है दस, मैं तेनू शहर च याद आसा। मैं जदों भी बंसरी बजासा चमेली तेनू जरूर याद करसा। शान तेनू शहर च बंसरी बजाने ही कौन देसी, ते नाली शहर दे शोर शराबे च तेरी बंसरी सुन सी ही कौन। शान बाबू बीबी जी शहर जाने की गली च बैठ के तुसी आओ। अच्छा चमेली, अल्लाह हाफिज। देख सुंबल, मैं तेन बार बार समझाने की कोशिश पिया करना कि तेने हॉस्पिटल जो कुछ भी देखा है वो महज तेरी गलत फहमी है। शहजाद वो तेरी गलत फहमी हो सकती है, मेरी नहीं। तो इसका मतलब है कि तेन मेरी गल यकीन नहीं आता। हॉस्पिटल कार अपनी जूनियर हाउस ऑफिसर अपने हथा नाल नाश्ता कराना, इसे तू क्या समझना है शहजाद? ये सब कुछ मैंने अपने उस गलत सलूक की माफी मांगने वास्ते किया है जिहड़ी मैं मेरी गलत फहमी की वजह मैंने उस बेचारे नाल किया है। तू उन्हें जस्ट सॉरी भी कह सकना है। एक गल मैं तुम्हें साफ साफ कह देवा सुंबल कि मेरा शहनाज के नाल कोई जज्बाती रिश्ता नहीं गा। अच्छा शहजाद, तो मैं भी तेन एक दोस्त यार समझाना चाहनी हूँ कि तू साढ़े इचकार एक जिम्मेदार डॉक्टर है, तो इसके अलावा तू एक सीनियर डॉक्टर का पुत्र भी है। देख शहनाज ने तो मैं माफ कर दिता है, हूँ प्लीज तू भी मैं माफ कर दे। शहजाद बेटा एक कुड़ी बहुत घट ही किसी माफ कर दी होंगी। बैठ के कर आंटी, अगर माफी का कोई और तरीका होता तो मैं वह भी कर लेना। मामा गल माफी दी नहीं गी, असूलों की। अच्छा तुसी दोनों इस तरह करो कि अपने अपने उसूल इस चाह दे अच्छी तरह खोल के पी जाओ ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। हाँ सच, रेहाना ने थोड़ी देर पहले फोन किया है कि वो रस्ते च आंदे पैन शान नु लेके पी आंदी। हां वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मैंने पापा नाल गल की हुई शान दी। मेरा ख्याल है आंटी के मैं जाना वा। चल तो पी ना। नहीं बात सही। ओके अल्लाह मामा, मैं भी जरा अपना हुलिया ठीक कर लवा। शान आंदा पिया भी। ओहो शान तेरा हुलिया थोड़ी देख सी। आज नहीं था कल जरूर देख सी। चली ना होवे ता मलक आखिर गया कि बूटे और तुहानू मने दसे ना जी के वो शहर गए ते बस हुणी आंदे हो सुन। बड़ी देर कर दिती इस। ओ जी तुसी फिक्र ही ना करो ना, वो तुहाडे काम वास्ते गया है। ओ मलक साहब आ गए ने। आ भाई मलक, आ क्या हाल है गुलाम जान? ठीक ठाक, तेरा काम हो गया? ओ किस तरह भाई? पटवारी नु मिल के मलक शाह जमान ते उस दे परावां दी सारी जायदाद दे फर्श ते अक्स ए ले आवां।
क्यों जी, मैंने तुहानू किया है ना कि मेरा मलक साहब खाली हाथ वापस ना आसी। शाबाश भाई मलक, शाबाश। हुण शाजी नाल अदालत च मुकदमा लड़ने का मजा आसी सानू। हाँ एक कम होर करना सानू। वो केड़ा काम है मलक साहब? सवेरे शहर जाके इफ्फत बाजी नू मिलना है, ताकि वकील ना गल करके मुकदमे की तारीख भी तो कटवाई है ना अदालत से। क्यों गुलाम जान? बिल्कुल ठीक है। तने शाह जी ने समझाया नहीं है कि इफ्फत भाभी के मसले नू हमेशा हमेशा इससे खत्म कर देंगे। तेरा ही देवर है सलमा, तू दस उसने कभी किसी की मनी है ना? ते इफ्फत भाभी भी तो अपने ऐसे सीधा सरदार होने तैयार नहीं गी। ये भी गल तो मैंने भी शाजी ने समझाई है, लेकिन वो नहीं मानता। पता नहीं जायदाद का क्या बन सी, अल्लाह जान दे। सलमा ये दोनों अस्पताल नहीं जाते? जसन बस वो शहजाद का इंतजार करते पे। शहजाद? शहजाद कौन है? वो डॉक्टर यजानी का पुत्र है, आप भी डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। शान तू जदा के रास ही आया है, कुछ डिस्टर्ब डिस्टर्ब जी लग रहा है। नहीं नहीं, दरअसल मैं तेरी गल्ला सुनना चाहना। इसका मतलब तो यह हो कि तेन मेरी गल्ला अच्छी लगती है। क्यों नहीं? तो बस ठीक है, मैं हमेशा हमेशा बोलती रहसा तो तू सुनता रहस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम शहजाद बेटा, तेरे ही इंतजार पे हम दे। आह मेरा ख्याल है आंटी कि मैं ठीक टाइम पे पहुंचा हूं। हेलो हेलो। चलिए बात चलो। शान तू रेडी है ना? क्यों, मेरे को रेसलिंग करवानी नहीं? जी पापा, मुआयना तो मैंने कर लेता अभी। तो बात के रिजल्ट है? Thank you.
प्यार दे डूब